नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे यूनिट सेल और परमिटिव सेल। परमिटिव सेल का हमने पढ़ा था अभाज्य कोष्ठिका जो होती है उसके बारे में, लास्ट क्लास में हमने अध्ययन किया था। आज अपना चलेगा यूनिट सेल की, यूनिट सेल एक कोष्ठिका क्या होती है। एक कोष्ठिका कोई न्यून आयतन वाला क्या होता है, एक बहुत कम आयतन वाला एक ऐसा बहुफलक होता है जिसके त्रिविम आकाश में बार बार पुनरावृत्ति करने पर एक बाह्य संरचना का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है कि एक न्यूनतम आयतन वाला एक ऐसा बहुफलक जिसका त्रिविम आकाश यानी कि फ्री स्पेस में हम बार बार उसकी पुनरावृत्ति करवाएं तो उसके बाह्य संरचना का निर्माण होता है, वह कोष्ठिका एकक कोष्ठिका कहलाती है। एकक कोष्ठिका में एक से अधिक जालक बिंदु हो सकते हैं, जबकि अभाज्य कोष्ठिका में एक ही जालक बिंदु होता था। एक अंतर तो ये है। और यहाँ हमने कहा है कि एक कोष्ठिका तीन अभाज्य सदिशों ए वेक्टर, बी वेक्टर व सी वेक्टर से बना है। अब ये माना हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 कर भी लिए थे जालक बिंदु, लिए उनके आपस में रेखा के द्वारा उनको मिलाया। अब हमने कहा ये ए वेक्टर है, ए सदिश है, ए स्थानांतरण सदिश है, ये बी स्थानांतरण सदिश है, ये सी स्थानांतरण सदिश है। अब मैं कहूँ कि ए और बी के मध्य में रहने वाला कौन है, जिसे गामा से व्यक्त किया है। बी व सी के मध्य बनने वाले कोण को हमने अल्फा कोण से व्यक्त किया है। ए व सी के मध्य बनने वाले कोण को हमने बीटा कोण से व्यक्त किया है। यही कहा गया है कि एक कोष्ठिका में तीन अभाज्य सदिश ए वेक्टर, बी वेक्टर व सी वेक्टर है। इनके बी व सी वेक्टर द्वारा, सी व ए वेक्टर द्वारा तथा ए व बी वेक्टर के बीच बनने वाले कोण को क्रमशः अल्फा, बीटा, गामा द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब हमने कहा है कि एक कोष्ठिका जो होती है उसमें एक से अधिक जालक बिंदु हो सकते हैं, लेकिन अभाज्य कोष्ठिका में एक ही जालक बिंदु होता है। मुख्य अंतर है तो हम कह सकते हैं कि सभी एक कोष्ठिकाएं, सभी एक कोष्ठिकाएं अभाज्य कोष्ठिका होती हैं। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि एक कोष्ठिका में एक से अधिक जालक बिंदु हो सकते हैं, लेकिन अभाज्य कोष्ठिका में केवल एक ही जालक बिंदु होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो भी एक कोष्ठिका होंगी सभी एक कोष्ठिकाएं अभाज्य कोष्ठिकाएं होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी अभाज्य कोष्ठिकाएं एक कोष्ठिकाएं हो, ये भी एक कंडीशन है। अब उसके बाद में हम क्लासिफिकेशन ऑफ लैटिस यानी कि जालकों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक बार आरपीएससी 2016 के एग्जाम में पूछा गया था कि बेलवे जालक, जो ब्रेवे जालक होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो विद्यार्थियों कह सकते हैं कि जो जालकों का वर्गीकरण है वो स्थानांतरण सदिशों की लंबाई और दिशाओं के आधार पर 7 क्लस्टरों में इसको विभाजित किया गया है। यानी कि स्थानांतरण सदिशों की लंबाई और दिशाओं के आधार पर सभी क्लस्टरों को 7 भागों में बांटा गया है। जो ये 7 क्लस्टरों के समूह है, या जो ये 7 क्लस्टरों का समूह है, इनके लिए त्रिविम जालकों की संख्या अर्थात हम कहते हैं कि ब्रेवे जालकों की संख्या 14 होती है। ये एग्जाम में पूछा गया था, आरपीएससी 2016 फर्स्ट ग्रेड लेक्चर के एग्जाम में पूछा गया था कि ब्रेवे जालकों की संख्या कितनी होती है। तो विद्यार्थियों 7 प्रश्नों से संबंधित जो त्रिविम जालकों की या ब्रेवे जालकों की संख्या होती है कितनी होती है, 14। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूर्ण होता है कि स्थानांतरण सदिशों की लंबाई और दिशाओं के आधार पर, अर्थात हम कह सकते हैं कि मूल रूप से प्रश्नों को कितने भागों को, जालकों को कितने भागों को वर्गीकृत किया गया है, तो वो किया गया 7 भागों में वर्गीकृत किया गया है। उसके बाद में कौन कौन से भाग होते हैं, वो घनीय होगा, द्विसमलंबाक्ष होगा, त्रिसमलंबाक्ष होगा, त्रिसमंताक्ष होगा, षटकोणीय होगा, एकलताक्ष होगा, त्रिकाक्ष होगा। ये इसके 7 भाग है जो अलग अलग संरचना के द्वारा हम आगे समझेंगे। यहाँ पे वो कहा गया ए बी व सी तीन स्थानांतरण सदिश है, इनके मध्य बनने वाले एंगलों को किस किस से व्यक्त किया गया है, गामा से,
अल्फा से और बीटा से, इनके मध्य बनने वाले क्वांटिटी को किससे व्यक्त किया जाता है, अल्फा से, बीटा से और गामा से। अब हम इसकी पहली संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, घनीय संरचना, क्यूबिक संरचना क्या होती है। इसी पृष्ठभूमि में जो एकल कोष्ठिका के सदिश है ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर परस्पर लंबवत होते हैं, परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, तथा इनके मध्य जो एंगल बन रहा है वो कौन सा, अल्फा, बीटा, गामा, तीनों कितने के बराबर होंगे, 90 डिग्री की। कंडीशन याद रखनी है आपको कि इसमें जो तीनों अक्ष है ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर और एंगल क्या होगा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होता है। अर्थात इस संरचना में तीन प्रकार के जालों का निर्माण होता है। कितने निर्माण जालकों का निर्माण होता है, तीन प्रकार के जो जालक है, तीन प्रकार के जालक हमने पढ़े हैं। अभी पढ़ा था हमने कि भाई एक तो होता है अभाज्य जालक, अभाज्य जालक को सिंपल क्यूबिक के नाम से जानते हैं, इसके नाम से जानते हैं सिंपल क्यूबिक, इसे एस सी या पी, इसे कैपिटल पी से व्यक्त किया जाता है। ये जो अपना एक सिंपल क्यूबिक है, घनीय संरचना है, हमने क्या कहा है कि सिंपल क्यूबिक के कोनों पर जालक बिंदु स्थित होते हैं, जालक बिंदु कोनों पर ही ना, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके एकल कोष्ठिका के सभी कोनों पर जालक बिंदु होते हैं। याद रखना है ये संरचना के आधार पर आगे का अध्ययन कर पाएंगे, ये याद नहीं रहेगी तो सिस्टम याद नहीं होगा, किस प्रकार से हमें पार्टी मान निकालना होगा वो नहीं पता चलेगा। तो सबसे पहले ऐसी सिंपल क्यूबिक है, सिंपल क्यूबिक का मतलब है कि इसके एक कोष्ठिका का जो प्रत्येक कोना होगा वहां क्या होंगे, लैटिस पॉइंट होंगे, जालक बिंदु उपस्थित होते हैं। उसके बाद में हमें अंतःकेंद्रित बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इसे क्या कहा जाता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यानी कि बीसीसी के नाम से जाना जाता है या कैपिटल आई से व्यक्त किया जाता है। इसमें क्या हुआ, इसमें आठ कोणों पर जालक बिंदु तो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 है ना। उसके बाद में क्या कहा कि सभी आठ कोणों पर जबकि केंद्र पर जालक बिंदु होता है, अब यहाँ केंद्र में होगा, इन दोनों के लिए केंद्र होगा, इन दोनों के लिए केंद्र होगा, तो इस केंद्र बिंदु को यहाँ से यहाँ तक चलाएंगे और इसको यहां से यहां तक इन दोनों जो घनीय संरचना है उनको मिलाएंगे, यानी कि एक बिंदु यहां होगा और एक इसके केंद्र पर होगा, ठीक है। उसके बाद में फलक केंद्रित जो होती है एक्सिस होता है, उसमें भी आठ कोणों पर कहीं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 आठ हो गए। पहले याद करके लाने के लिए छह कर्मों के केंद्र पर जालक बिंदु होता है, फलक छह कर्मों से 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इनके केंद्र पर जालक बिंदु होगा। भाई ये जो माना अपना एक फलक में इधर बनाता हूं, माना एक फलक अपना इस आकृति को बना है, पढ़ रहा है क्या पढ़ रहा है, अब इसके कोणों पर तो है ना जालक बिंदु, इसका केंद्र ये होगा, अब इनका मिलान कर देंगे, इसका मिलान इस वक्त हो गया कि होगा, इसी प्रकार से इसका करेंगे, ये यहां से यहां तक दिख रहा है, ये दिख रहा है ऐसे, और ये इसका क्या है केंद्र, ठीक है। ये फलक है, इस फलक में यहां से यहां तक और दूसरा बिंदु यहां से यहां तक, ये इसका केंद्र बिंदु हुआ अपने को। इसी प्रकार इसकी हम संरचना लेंगे तो ये संरचना है, इसका केंद्र बिंदु यहाँ होगा तो इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इस प्रकार से छह फलकों के लिए। तो ये कहा है कि इसके एकल कोष्ठिका के सभी कोणों पर तथा छह फलकों के केंद्र पर जालक बिंदु होता है, याद रह जाएगा। तो इस प्रकार से घनीय संरचना जो होगी, घनीय संरचना की पहली कंडीशन ये है कि इसमें जो तीनों सदिश होंगे वो एक दूसरे के परस्पर लंबवत होंगे और उनके मध्य जो बनने वाला कोण प्रत्येक का मान 90 डिग्री होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए बराबर बी बराबर सी या अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। उसके बाद में इसी संरचना को कितने जालकों में विभाजित किया गया है, तीन प्रकार के जालकों में, सिंपल क्यूबिक में,
बॉडी सेंटर्ड यूनिट में है, सेंटर्ड यूनिट यानी कि इन्हें क्रम से पी आई और सी से व्यक्त किया जाता है। सिंपल जो क्यूबिक होता है उसके सभी कोणों पर जालक बिंदु होता है, बीसीसी जो होगा उसके एक कोष्ठक कोणों पर तक ओनली केंद्र, दोनों का जो केंद्र होता है उन केंद्रों पर जालक बिंदु होते हैं, जबकि फलक केंद्र में क्या होगा सभी कोणों पर भी होगा और जितने उसके फलक हैं छह फलक बन रहे हैं उनके केंद्र पर भी जालक बिंदु होता है। तो विद्यार्थियों ये जो अपने सात कृष्णों का प्रकार था उसमें पहला प्रकार घनीय संरचना का है, इसमें कोई दिक्कत? यदि ये समझ में आ रहा है तो आगे जो हम समंताक्ष पढ़ेंगे, द्विसमलंबाक्ष पढ़ेंगे, त्रिसमलंबाक्ष पढ़ेंगे, उनकी संरचना इजी वे में बना सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में अब द्विसमलंबाक्ष का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।